आज की वीडियो आपके ही मांग पर जेसीबी के ऊपर बनी है। जेसीबी एक ऐसी टॉपिक जिसे इंडियन ने कुछ काम ना होने का एक पुख्ता प्रमाण दे दिया। मतलब कि भैया, जब किसी के पास कोई काम नहीं होगा तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मतलब जब भैया कोई काम नहीं है तो हम उल्टा सीधा ही चीज़ें करेंगे। मतलब जेसीबी, आप लोग आसपास अपने हमेशा जेसीबी को देख सकते हो। जेसीबी एक ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम अपने बड़े से बड़े काम को सरलता से कर पाते हैं। मतलब कहें तो यह एक रोबोट भी है। आज उसी के बारे में बात होगी दोस्त, चलिए बताते हैं। तो नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है अनुराग, आप देख रहे हो जोशी न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नए हो तो लाइक वीडियो करो मोटिवेट के लिए। हमारे दोस्तों तक पहुंचाना हो बात तो कर दो शेयर, और आगे भी हमारी वीडियोज़ को आपको देखते रहना है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी वीडियोज अपलोड होती हैं जो कि आपको बिल्कुल नॉलेजबल लगेंगी, और नॉलेज के लिए आप प्लीज़ हमेशा इसे देखते रहो। देखो दोस्त, जेसीबी एक ऐसी डिवाइस, आज उसके बारे में पूरी बात करेंगे, या एक प्रकार से कहें तो आपके लिए एक रोबोट है। रोबोट जो कि ऑटोमेटिक काम करता रहता है। जेसीबी, इसका फुल फॉर्म अगर ना जानते हो तो मैं आज आपको इसका फुल फॉर्म भी बता दूंगा। इसका फुल फॉर्म इस बेस्ड पर बना है दोस्त कि इसे बनाने वाला जो बंदा था पहला, जोसेफ सैरिक बैम्फोर्ड। हाँ जी, जोसेफ सैरिक बैम्फोर्ड होता है। यदि इसका हिंदी में मीनिंग मैं आपको बताऊँ तो आपको थोड़ा अचंभे में डाल सकता है कि भारतीय तंबाकू संगठन। दोस्त, यह एक फ्रेंच का आदमी का नाम है जिसने जेसीबी को बनाया और अपने ही नाम के शॉर्टकट में इसका नाम जेसीबी रख दिया। जेसीबी के बारे में और भी बातें आज होगी। जेसीबी इक्विपमेंट है जो कि इसे बनाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। जेसीबी आज के समय में लगभग 300 प्रकार की मशीनों का निर्माण करती है। उदाहरण के तौर पर खुदाई करने वाली मशीन, ट्रैक्टर, उत्खनन और डीजल इंजन आदि, इन सब का निर्माण जेसीबी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इस जेसीबी के उत्पादों को 150 से अधिक देशों में बेचा जाता है, मतलब जिसमें इंडिया भी शामिल है। जेसीबी के अगर हम कार्य की बात करें तो दोस्त, जेसीबी क्या क्या कार्य कर सकती है पूरी बात बता रहा हूँ। दोस्तों, आपने कई बार जेसीबी मशीन देखी होगी। आजकल यह मशीन आपको हर जगह देखने को मिल जाती है। इस मशीन के बिना निर्माण कार्य करना असंभव सा हो गया है, क्योंकि लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं है। इसलिए जिस काम के लिए बहुत ज़्यादा समय, मेहनत और मजदूरी लगती है, उस भारी और वजनी काम को जेसीबी के द्वारा बड़ी ही आसानी से किया जाता है। इस मशीन का उपयोग ज़्यादातर आप गड्ढा खोदने, जान ही रहे होगे क्या है गड्ढा खोदना, तो गड्ढा खोदने और मिट्टी उठाना आदि कामों के लिए ज़्यादातर किया जाता है। मतलब इन सभी का काम रोड बनाने में मैक्सिमम किया जाता है, क्योंकि माटी उठाना और गड्ढा खोदना इसी में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्त, ये रही जेसीबी के बारे में। अब मैं बताता हूँ कि जेसीबी का रंग पीला ही क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न। एक जेसीबी जो कि आपके रोड यातायात या ऐसी चीज़ें जिसमें आपका दैनिक जीवन में एक प्रोग्रेस बेस्ड होता है, मतलब ये अगर आपके यहाँ है तो ये बात क्लियर करती है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। मतलब आप प्रोसेस में हो जिसके माध्यम से आप अपने दैनिक जीवन को थोड़ा अच्छा, सुलभ बना रहे हो। दोस्त, इसे पीला इसलिए किया जाता है, पहले ये चीज़ बता देता हूँ कि पीला क्यों और किसे किया जाता है। जेसीबी को पीला किया जाता है, रोड बनाने वाली हर एक सामान को पीला किया जाता है, पीले रंग का होता है। आप हमेशा से देखे होंगे, आप कभी कभी स्कूली बस को भी पीला देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रंग ऐसा होता है जिसे कोई भी गाड़ी अपने के लिए नहीं चुनती, मतलब ये कलर सबसे अलग होता है। जैसे आप सभी गाड़ियों को देखते होंगे जो कि हमेशा यूज की जाती है एक पर्सनल पीपल के माध्यम से, लोगों के, लोकल पीपल के माध्यम पर, ठीक, तो वे सभी ये गाड़ियों की अधिकता हो जाती है जिसके माध्यम से ये गाड़ी अलग बिल्कुल नहीं लगती। तो इन्होंने क्या सोचा कि भैया अगर हम इसका रंग एक चेंज कर दें, ऐसा रंग चुन लें
कि जो कोई भी गाड़ी पर ना हो, मतलब वो सबसे अलग लगे। तो दोस्त, कोई भी बंदा पीली गाड़ी नहीं यूज करता। आप लोग देखे होंगे जब ये रोड पर चलता है तो ये बात का दूर से ही संकेत दे देता है कि भैया वहाँ पीली गाड़ी है, मतलब एक नई कलर है, मतलब कि एक नई चीज़ जो कि हम हमेशा उपयोग में नहीं लेते हैं। मतलब वहाँ जेसीबी, ट्रैक्टर, कुछ भी हो सकता है जो पीला होगा, मतलब एक कार्य करने का सामान है, पब्लिक की यूज का नहीं है। स्कूली बस को इसलिए किया जाता है कि जहाँ पर भी स्कूली बस रहेगी वहाँ पर कितने भी भीड़ भाड़ ट्रैफिक हो, लेकिन वो स्कूल बस दूर से ही नज़र आएगा, मतलब कि उसके अंदर एक भविष्य बैठा है, अपने देश का भविष्य रहते हैं, इसलिए उस गाड़ी का भी रंग चेंज कर दिया जाता है। यह चीज़ सुरक्षा के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि सभी बंदे जैसे तेज़ी चल रहे हैं ठीक अपनी गाड़ी को, तो भी दूर से ही धीम कर लेते हैं, भैया आगे देश का भविष्य है, बच्चे बैठे हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि गाड़ी के आगे लिखा रहता है, भैया बच्चे आपके हैं, कृपया धीमे चलें। और हमेशा वैसे भी गाड़ी को धीरे ही चलाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो पर। आशा करता हूँ वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तब तक के लिए हो सके तो वीडियो को शेयर करके इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।